देखिए यहाँ पर दूसरे गांव के पर्व त्योहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित करा किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक ही था, तो इसलिए उसे चर्चित होने के कारण उसे बुलाया जाता था गांव वाले। एक शाम को तातारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के तट पर किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र में जहां धरती और आसमान के मिलन का आभास हो रहा था, जैसे कि समुद्र के पास धरती और आकाश दोनों का मिलन होने वक्त दोनों एक नजदीक सा दिखाई देते हैं, उस समय का वो आभास हो रहा था। समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। शाम में समय पक्षियों की जो चहचहाटें होती है वे भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। ततारा का मन भी शांत था, अपने ही विचारों में खोया हुआ ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था, जो बहुत रंग बिरंगी लग रही थी। तभी कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया, जो उसी के आसपास कोई गा रहा था। ऐसा लग रहा था कि गीत उसी की ओर बहता हुआ आ रहा हो। बीच बीच में समुद्र की लहरों का संगीत भी सुनाई पड़ता था। गायक इतना प्रभावित था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। देखिए यहाँ पर गाना इतना प्रभावित था गायक का सुरीला कंठ कि तातारा अपना सुध-बुध खोने लगा। सुध-बुध खोना यानी अपने होशो हवास खोने लगा था। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विश्व हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकास सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगीन को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत यानी सजा संवारा हुआ, बहुत ही आनंदमयी, बहुत ही सुकून सा श्रृंगार का रस गीत था। गायन गीत सुध-बुध होश हवास तंद्रा, अपना होशो हवास खो देना, चैतन्य होश में आना, विवश मजबूर, विकल बेचैन होना, बेसुध जिसे कोई खबर ना हो आसपास क्या चल रहा है, उसका उसे कोई आभास ना हो, उसे बेसुध कहा जाता है। तातारा और वामिरो दोनों ने दुखी मन से किसी तरह रात गुजारी। तो इस तरह फिर उन दोनों ने मिले। मिलने के बाद फिर उसने पूछा नाम तो नहीं बताई। ऐसे ही एक रात बीत गई। किसी तरह गर्मी से रहित ठंडा और बेकार सा दिन गुजरने लगा। दोनों को ही शाम का इंतजार था। तातारा के लिए तो मानो ये उसकी पूरी जिंदगी की पहली और अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गहरे और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था जब उसे बेचैनी से किसी का इंतजार करना पड़ा था। आश्चर्यचकित होकर वह इंतजार कर रहा था वामिरो का, क्योंकि वह अधिक बहुत अधिक लंबा लग रहा था। अंदर से उसके शंका पैदा हो रही थी कि वो आएगी या नहीं। तो इस तरह से वो सोचते सोचते वह बार बार लपाती गांव पासा का तातारा था, लपाती की रहने वाली वामिरो थी। तो ये दोनों एक दूसरे के पास रास्ते पर सहसा नारियल के झुरमुटों के ठिकाने पर वामिरो को ढूंढता, घबराते हुए जाता। लोग इसे पशु पर्व पर आमंत्रित करते, अपने गांव सम्मानित कर उसे बुलाए जाते। एक दिन लोक पर्व के समय वहां पर लोगों ने इन दोनों की जोड़ी को देख लेते हैं, और अंत में वामिरो की माँ उसे डांटने लगती है कि ये कैसे हुए, दोनों द्वीप यहाँ की लड़की और वहाँ का लड़कों से ब्याह नहीं होता है।
ये कैसा किया, तो इसलिए उसे बहुत वामीरों को डांट रही थी। ये सब वहां की जनता और तातारा सुन रहे थे। तभी उसे बहुत क्रोध आया, तो वो समझ नहीं पाया अपने क्रोध को कैसे काबू में करूं। तो उसने अपनी कमर से वो दैव्य शक्ति या तलवार निकाली और धीरे से उसने अपने गुस्से को धरती पर धसा। तलवार को धस कर उसे खींचता खींचता हुआ चला जाता रहा। जहां तक वो खींच रहा था, बड़ी सी दरार पड़ी और दोनों द्वीप धीरे धीरे जमीन फटने लगी और दो द्वीप अलग हो गए। और वामीरो उसके पीछे तातारा तातारा पुकारते हुए आ रही थी, लेकिन अंतिम छोर तक तातारा चला गया। जाने के बाद वो उस द्वीप के अंतिम छोर पर गिर गया, तो अंदर पानी में समाया। वामीरो उसके पीछे पीछे भागते हुए ऐसे ही कई वर्षों तक पागल सी फिरती रही। उसके बाद वामीरो का भी पता नहीं चला। इस तरह इन दोनों युगल जोड़ियों को त्याग बलिदान से दोनों द्वीपों के लोग मानने लगे कि अब हम यहाँ पर एक दूसरे को इनके बलिदान से ही दोनों द्वीप जुड़कर यहाँ से पासा से और वहाँ की लड़की को ब्याह करने के लिए उन लोगों ने तैयार हो चुके। कहानी लोक कथा लोगों से सुनी हुई ये कहानी वहाँ की अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह की कहानी है। इसमें व्याकरण है, यहाँ पर व्याकरण आपको दिया गया है सरल संयुक्त मिश्र वाक्य का व्याकरण है। तो इसमें हम लोग पीपीटी बनाना है, इस पर सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य पर, एक सरल के एक वाक्य, मिश्र का एक वाक्य, संयुक्त का एक वाक्य। सरल यानी साधारण वाक्य जो हम पढ़ चुके हैं। बाकी गतिविधि है अंधविश्वास या रूढ़िवादिता पर दो स्लोगन लिखिए। तो पाठ समाप्त हो। धन्यवाद। धन्यवाद।